राफेल मामले में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को गुरुवार को भले ही मंजूर कर दिया हो, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को फिर से घेरना शुरू कर दिया है। शनिवार को हरदोई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। प्रदर्शनकारियों में भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा समेत भाजपा के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। बता दें कि राफेल मामले में कोर्ट फैसले पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी शनिवार को भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद हरदोई में भाजपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। भाजपा ने इस फैसले के बाद ही अपना रुख साफ कर दिया कि वह चाहते हैं कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर गलत बयानी करके देश को गुमराह किया है, उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर झूठे आरोप लगाए। राफेल मुद्दे पर एक निर्णय दिया गया है, उसी के क्रम में जनपद हरदोई की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन आज दिया गया है, जिसमें विपक्ष के नेता के विरुद्ध उन्होंने माफी मांगने और अन्य कुछ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम उनका ज्ञापन है और नियुक्त प्रक्रिया से उसको भेजा जा रहा है। देखिए, जब साल 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 5 वर्ष जिस प्रकार से उन्होंने इस देश के गरीब, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की और जिससे प्रत्येक गांव का हर गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुआ तमाम योजनाओं के माध्यम से, उन सब से विचलित होकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों ने राफेल के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो झूठ और फरेब का कुचक्र रचा, उसको तो इस देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में नकार दिया, लेकिन कानूनी तौर पर उनके फरेब का पर्दाफाश, उनके झूठ का पर्दाफाश और उनके जो मन की चोरी थी उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल खारिज कर दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के राफेल पर निर्णय आने के बाद हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रदर्शन किया और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया और उसमें मांग करते हैं कि यदि जरा सी भी नैतिकता और शर्म कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी में बची हो तो इस देश के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के प्रत्येक नागरिक जिससे जो इस उनके इस झूठ से आहत हुआ, विदेशों तक भारत की जिन्होंने इमेज खराब करी है, ऐसे राहुल गांधी अपने झूठ और फरेब से निकलकर इस देश की जनता से, माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अविलंब माफी मांगे। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने मांग की है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।